अगर अगर जीता ना माझी पहले माफी मांगे, सनातन धर्म में आस्था दिखाए, तो मांझी को भोज करने की कोई जरूरत नहीं, गजेंद्र झा वहाँ भोज करेगा और अपने कुटुंब और पूरे परिवार के साथ खाने जाएगा। उसके नाम में भी राम लगा है, वो राम को नहीं मानता, हिंदू है हिंदू को नहीं मानता, हिंदुस्तान में रहता है लेकिन ब्राह्मण को नहीं जानता, ब्राह्मण को भी गाली देता है, अपने समाज में है, जिस परिवार में पैदा हुआ, जिस समाज में पैदा हुआ, आज उस समाज को भी गाली दे रहा है। ये कैसा घृणित व्यक्ति है, इसे पागल नहीं तो और क्या कहेंगे। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार। एक प्रश्न जो बहुत दौड़ रहा है आप सबों के दिमाग में, बार बार मुझे फोन आता है, सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार मुझे पूछा जाता है कि आपने यह विवादित बयान क्यों दिया। तो सबसे पहली बात ये कि गजेंद्र झा के बयान को विवादित आप लोग समझते हैं, आप लोगों ने इसे विवाद का नाम दिया है, मैं इसे विवादित बयान नहीं समझता। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मैंने बयान क्यों दिया। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा प्रश्न हो रहा है कि जब जीतन राम मांझी ने माफी मांग लिया, फिर गजेंद्र झा अपने बयान पे अटल क्यों। चौथी बात, जीतन राम मांझी ने कहा है कि गाली मैंने अपने समाज को दिया। पांचवा अहम बात, उन्होंने खाने का भोज का व्यवस्था किया है। सारे मुद्दों पर हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। पहले आपके पहले प्रश्न का जवाब दे दूं, ये आज की बात नहीं है साथियों, ये बार बार हो रहा था। जीतन राम मांझी कभी बोलते हैं राम का कोई अस्तित्व नहीं है, कभी बोलते हैं हिंदू धर्म दुनिया का सबसे कमजोर धर्म है, सबसे घटिया धर्म है, कभी वो बोलते हैं ब्राह्मण है, वो शब्द मैं यूज नहीं कर सकता। एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदू है, उसकी सनातन धर्म में आस्था नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने इष्ट देव को नहीं मानता, अपने इष्ट को नहीं मानता, हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानता, एक ऐसा व्यक्ति जो विश्व के सबसे श्रेष्ठ कुल जिसकी पूजा ईश्वर भी करते हैं, जब भी हम लोग पूजा करते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो ब्राह्मण देवता की भी पूजा होती है, ये सनातन काल से आ रहा है, ये सनातन का एक सौभाग्य है, क्योंकि ब्राह्मण बल है, ब्राह्मण शास्त्र है, ब्राह्मण सनातन की शक्ति है, ब्राह्मण ने आदिकाल से रास्ता दिखाया है, आपने उसको भी गाली देने का काम किया। जब मुझे लगा कि यह व्यक्ति बार 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 अनर्गल बातें कर रहा है, पहले मुझे लगता था कि इनको सेठिया गए हैं, इनको बोलने का कोई सुरूर नहीं है, कुछ बोल जाते हैं, गलती से निकल जाता है, लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं, ये सुनियोजित ढंग से, योजनाबद्ध तरीके से, सातीराना अंदाज में, बहुत बड़े साजिश के तहत बयान, अनर्गल बयान दे रहे हैं, तब मुझे लगा कि इसका एक ही उपाय है, ना रहेगी जिह्वा और ना देंगे ये सनातन धर्म को गाली, इसीलिए मैंने ये बयान दिया। आपके पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिला। मैंने बात में कहा है आपको कि साजिश
आप पूछें उससे पहले मैं बताता हूं। गजेंद्र झा पूरे दावे के साथ कह रहा है कि एक हिंदू जो हिंदू कुल में पैदा हुआ है, अपने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, अपने कुल को, अपनी मर्यादा को, देश को, अपने इष्ट देव को, सबको गाली दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सारा बयान उनका स्पॉन्सर्ड बयान है। ये जो भी बयान दे रहे हैं ये सारा स्पॉन्सर्ड बयान है, ये ऐसे नहीं दे रहे हैं। और ये संभव तभी होगा जब हिंदू एक होंगे, तभी इसका खंडन हो सकेगा। दूसरी बात, उन्होंने आप लोगों का जो दूसरा प्रश्न था वह था कि जब उन्होंने माफी मांग लिया है, उन्होंने कैसा माफी मांगा है? उन्होंने माफी मांगने में भी गाली का प्रयोग किया और बड़े दावे से कहा कि ऐसे ब्राह्मण वैसे ब्राह्मण, ऐसे हिंदू वैसे हिंदू को मैं गाली देता रहूंगा। ए माजी जी सुनिए, ब्राह्मण कैसा होगा, ऐसा होगा कि वैसा होगा, ये आप तय करेंगे। ब्राह्मण पूरे सृष्टि का सिर्फ ब्राह्मण है, ऐसा वैसा नहीं है, और ब्राह्मण ये खुद तय करेगा। आपको ब्राह्मण के चरित्र सर्टिफिकेट बांटने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ब्राह्मण आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, ये जान लीजिए। इसीलिए उनका माफी मांगना एक ढोंग है। उन्होंने माफी नहीं मांगा है, फिर अपने अंदाज में, अपने साजिश के तहत फिर समाज को उलझाने का काम किया है। उन्होंने माफी नहीं मांगा है, उन्होंने सिर्फ ढोंग किया है। माफी का मतलब होता है समर्पण। माफी का मतलब समर्पण, क्षमा का मतलब समर्पण। आप किसी से क्षमा याचना करते हैं तो समर्पित होकर करते हैं, और समर्पण में शर्त नहीं होता, समर्पण बिना शर्त के होता है। और उन्होंने माफी में ऐसा वैसा कैसा कैसा का शर्त रखा है, इसीलिए माफी नहीं, ये ढोंग है। तो आपको जवाब मिल गया कि उन्होंने माफी नहीं मांगा है, एक ढोंग किया है, इसीलिए गजेंद्र अपने बयान पे अटल है। और उन्होंने कहा कि मैं 100 बार गाली देता रहूंगा, तो गजेंद्र सिन्हा ठोक के कहता है कि यह जिह्वा 100-100 बार कटती रहेगी। ये फिर सिलसिला नहीं रुकेगा। आगे आप लोगों ने कहा कि उन्होंने कहा है कि मैंने गाली अपने समाज को दिया है। मैं जानता हूं आप अभी और कई तरह की बातें कहेंगे माजी जी, क्योंकि आप एक संयंत्र के तहत, एक सुनियोजित चाल के तहत पूरे हिंदुस्तान को छत विछत कर देना चाहते हैं, हिंदुओं को खंडित करना चाहते हैं। इसीलिए आप बार बार हिंदू के सनातन धर्म पे, हिंदू देवी देवताओं पे प्रश्न गाली और घात करते रह रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आप अपने स्वार्थ के लिए, जब आप मुख्यमंत्री रहे, मेरा प्रश्न है आपसे, जब आप मुख्यमंत्री रहे आपने माझी समाज के लिए क्या किया? आपके पास ताकत थी, आपके कलम में ताकत थी, उस वक्त आप कुछ नहीं किए, और अब आप ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। चाहते क्या हैं आप? गजेंद्र झा जी, गजेंद्र झा फिर से आपसे कह रहा है, और पूरे दावे से कह रहा हूं आप लोगों के माध्यम से, माझे जी बिना शर्त माफी मांग लीजिए, उसमें शर्त नहीं होना चाहिए। बिना शर्त माफी मांगिए,
हम आपको माफ भी करेंगे। और आइए, अगर आपका बयान स्पॉन्सर्ड नहीं है, अगर जीतनराम मांझी का बयान स्पॉन्सर्ड नहीं है, वह साजिश नहीं रच रहे हैं, तो मांझी जी आइए, जीतनराम मांझी भी आगे आए और गजेंद्र झा भी आगे आएगा, और पूरे देश के अखंडता को बनाने के लिए आप बिना शर्त माफी मांग लीजिए। गजेंद्र झा आपको गले लगा लेगा और दोनों मिलकर सनातन धर्म को और मजबूत कर देंगे। है हिम्मत तो आइए। आप नहीं आएंगे, आप नहीं आएंगे, क्योंकि आप सिद्धांत विहीन है, आपका मन अपवित्र है, आपके मन में साजिशें चल रही है, आप तो हिंदू को खंडित कर देना चाहते हैं। आप नहीं आएंगे, आप अपने समाज के भी नहीं हैं, आप अपने समाज को गाली देते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से आज मांझी समाज से विनती भी करता हूं और ललकारता भी हूं और पूछता हूं कि है कोई माइका लाल मांझी समाज में जो इस कलंकित मांझी को निकाल के बाहर करे और एक ऐसा मांझी का नेता बनाए, एक ऐसा मांझी का बेटा सामने लाए, एक ऐसा दलित का बेटा सामने लाए जो मांझी के सरोकार के लिए, दलित के स्वाभिमान के लिए, दलित के अभिमान के लिए, मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़े, और जो दलितों के मान सम्मान के रक्षा की बात करे, ना कि पूरे देश में पूरे विश्व में मांझी समाज के नाम को जगहसाई का काम करे। ये आज क्या कर रहे हैं, पूरा देश हंस रहा है कि देखो कैसा घृणित व्यक्ति है, जो हिंदू है उसके नाम में भी राम लगा है वो राम को नहीं मानता, हिंदू है हिंदू को नहीं मानता, हिंदुस्तान में रहता है लेकिन ब्राह्मण को नहीं जानता, ब्राह्मण को भी गाली देता है, अपने समाज में है, जिस परिवार में पैदा हुआ, जिस समाज में पैदा हुआ, आज उस समाज को भी गाली दे रहा है। ये कैसा घृणित व्यक्ति है, इसे पागल नहीं तो और क्या कहेंगे, इसे विक्षिप्त नहीं तो और क्या कहेंगे। अगर मांझी जी सठिया गए हैं तो भैया परिवार से बाहर निकल के साइड हो जाइए, मांझी के किसी ऐसे ईमानदार बेटा को जो मांझी का हो उसको मौका दीजिए और देश की अखंडता को बचाने का काम कीजिए। ये जो आप सनातन धर्म पे आघात करके, ब्राह्मणों पे आघात करके, देवी देवताओं पे आघात करके ये जो हिंदुओं को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, ये मत कीजिए। इतिहास देख रहा है, आज पूरा देश गजेंद्र के साथ खड़ा हुआ है। क्यों? आज गजेंद्र झा सिर्फ गजेंद्र झा नहीं रह गया, आज मांझी जी की काली करतूतों के वजह से गजेंद्र झा आज हिंदुओं का एक आवाज बन गया है। मुझे कई राज्यों से, कल मैं दिल्ली में बैठा था, पूरे देश के जितने भी हिंदू संगठन हैं, सिर्फ ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा, पूरे देश का हिंदू व्यथित है, सबको कष्ट पहुंचा है, पीड़ा हुई है, सबको लग रहा है कि अपने देश में यह कैसा व्यक्ति है जो हमें ही अपमानित कर रहा है। सबकी बैठक हुई है, पूरे देश में आंदोलन होगा अगर मांझी जी अपने बात से पीछे नहीं। मैं कह रहा हूं आपको, इस जमी पे राजनीति करना तो दूर, रहने के लिए जमी कम पड़ जाएगा, आप कोने में मुंह छुपाने के लिए, इस हिंदुस्तान की सरजमी पे आपको जगह पर कम पड़ जाएगा मुंह छुपाने के लिए। वक्त रहते हुए कम से कम मांझी समाज के मर्यादा का तो ख्याल करिए, आने वाला इतिहास कितना गंदा लिखेगा जीतनराम मांझी का, ये तो सोचिए। एक आखिरी प्रश्न था भोजन का, वो ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। उन्होंने जिस भोजन का व्यवस्था किया है, ब्राह्मण ही नहीं, कोई एक भी हिंदू वहां अन्न ग्रहण करेगा जिसकी मनसा साफ हो, जिसकी सनातन धर्म में आस्था हो, जिसके मन में पवित्रता हो, जिसका हृदय निश्चल, निर्मल और विशाल हो।
अगर ऐसा कोई भी दलित हो तो मैं कह रहा हूं उस घर में भोजन अपने हाथ से बनाऊंगा भी मैं, पकाऊंगा भी मैं, और हर एक दलित के यहां खाने भी जाऊंगा। लेकिन मैं आह्वान करता हूं जीताराम जैसे कलंकित व्यक्ति के ऊपर, जब तक वो माफी नहीं मांगते, एक भी हिंदू वहां अगर अन्न ग्रहण करता है तो वो हिंदू द्रोही है। बात सनातन धर्म के रक्षा की है। क्यों मौन है ये हिंदू, ये देश क्यों मौन है? अब जगना होगा, नहीं जगेंगे तो ये जो मौन अपने छोटे छोटे स्वार्थ में जो मौन पड़े व्यक्ति हैं, उसका भी इतिहास लिखा जाएगा और काले पन्नों से लिखा जाएगा। 500 लोग खिलाने की तैयारी कर रहे हैं मांझी ब्राह्मणों को। जी आगे बोलिए बोलिए बोलिए। आपने स्पॉन्सर्ड बैन एक एक करके ले लीजिए। जी पहला सवाल ले लेते हैं, आपने स्पॉन्सर्ड बैन की बात की, कौन लोग दिलवा रहा है ये बैन, ये कम से कम स्पष्ट करेंगे। देखिए सनातन धर्म के विरुद्ध में स्पॉन्सर्ड बयान की जो बात है, सनातन धर्म के विरुद्ध में, देवी देवताओं के विरुद्ध में, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं के विरुद्ध में बयान आ रहा है, तो ये कौन लोग होंगे? ये वही हिंदू विरोधी लोग हैं जो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, हिंदुस्तान को और हिंदुओं को विखंडित कर देना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो पीछे से स्पॉन्सर्ड करके और हिंदू विरोधी मांझी के कान में डाल रहे हैं। ये सिर्फ मांझी एम्पलीफायर का काम कर रहे हैं, माइक कहीं और है, जो कंडेंसर माइक है वो कहीं और है। सरकार में शामिल है क्या? सरकार के अंग है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो हिंदू विरोधी ताकतें हैं भाई, वो जहां से भी आ रही है। ये बेहतर यही होगा, नहीं मेरा किसी सरकार, सुनिए मेरी पहली बात सुन लीजिए, इशारा किस ओर है, जिसके साथ है या जिसके साथ थे, किसकी किस पर? देखिए मेरा किसी राजनीतिक पार्टी, आपने आप लोगों को पता होगा, मैं गर्व से कह रहा हूँ कि मैं आज पार्टी से निष्कासित सिपाही हूँ, जब था तो ईमानदारी से था। आज हिंदुत्व का नाम लेने के लिए मैं जिस कुल से निकला हूँ, उस कुल पर जिसने प्रतिघात किया उसका अगर मैंने प्रतिकार किया तो मुझे निकाला गया है। तो मैं इसीलिए, किसी राजनीतिक दलों को सरकारें बनानी और चलानी है, उनको अपना काम करने दीजिए। गजेंद्र आज सनातन धर्म के लिए झंडा उठा लिया है, मुझे उस विषय में बात करने दीजिए। ये हिंदू विरोधी ताकतें हैं, चाहे जो भी हो, कल बेहतर होगा कि मांझी जी को पूछिए। राजनीतिक पार्टी के नाम नहीं बता रहे हैं आप, कैसे पाकिस्तान के? देखिए हिंदू विरोधी लोग कितने हैं, कौन है, कहाँ है, ये सब आप लोग भी जान रहे हैं। देखिए मेरे खिलाफ जो याचिकाएं दायर की गई, कई जगह से मुझे पता चला है, कई जगह मेरे खिलाफ याचिकाएं दायर की गई हैं। मुझे बार बार धमकी भी मिल रहा है, जान से मारने का, घर से उठा लेने का, कई तरह का सोशल मीडिया पे भी आ रहा है। गजेंद्र का सर अब झुकेगा नहीं, कट जाएगा, ये मंजूर है, डाल दो मुझे काल कोठरी में। अभी तो एक परशुराम खड़ा हुआ है, मुझे हाथ लगा के तो देखो इस हिंदुस्तान के घर घर से गजेंद्र झा पैदा। बीजेपी ने तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया है। अच्छी अच्छी बात की सर, बहुत अच्छा लगा। अरे ये भाजपा को स्वीकार नहीं है क्यों? बीजेपी ने आपको बाहर का रास्ता क्यों दिखाया है? भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, जब मैंने बयान दिया था तो स्पष्ट कर दिया था आप लोगों के माध्यम से कि मेरे बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि मैं एक राजनेता से पहले एक राष्ट्रवादी हूं, मैं एक राजनेता से पहले एक हिंदुस्तानी हूं, मैं एक राजनेता से पहले एक हिंदू हूं, और मैं एक राजनेता से पहले एक ब्राह्मण का बेटा हूं, ब्राह्मण कुल से हूं। तो मुझे अपने धर्म ने ललकारा, मुझे मेरी जिम्मेदारियों ने ललकारा, सनातनी का कर्ज अदा करने के लिए। राष्ट्रवादी पार्टी में गजेंद्र जी बीजेपी की भूमिका को कैसे देखते हैं? नोटिस दिया गया आपको बीजेपी की तरफ से? मुझे जो नोटिस दिया गया है, मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ, प्रदेश पदाधिकारी था हूँ नहीं था, जब मुझे नोटिस मिला मैं प्रदेश पदाधिकारी था, मेरा निष्कासन जिलाध्यक्ष ने किया है।
आप लोग बताइए, सिपाही डीजीपी को बर्खास्त करता है क्या? ये संविधान है क्या? मुझ मेरी बर्खास्तगी अगर हुई तो वो प्रदेश या केंद्र के नेतृत्व के द्वारा होनी चाहिए थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संविधान कहता है, उन्होंने अनुशासन समिति का हवाला दिया है, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जिला में कोई अनुशासन समिति नहीं होता, अनुशासन समिति प्रदेश में होती है, अनुशासन समिति केंद्र में होता है, लेकिन मुझे निकले जाने का कोई गम नहीं है, मेरे ऊपर याचिकाएं हो, मैं जेल में जाऊं, मुझे कोई गम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति करे, मुझे उससे भी कोई सरकार नहीं है। राजेंद्र जी, इस पूरे प्रकरण में बीजेपी की भूमिका को कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, सरकार चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जो उचित लगा भारतीय जनता पार्टी ने वो किया। सनातनी के नाते मुझे जो उचित लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ, मुझे कोई भय नहीं। मैंने कहा हिंदू विरोधी ताकते हैं, मैंने कहा हिंदू विरोधी ताकते हैं, ये आपको समझना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे, ये वही हिंदू जाएंगे मांझी जी के यहाँ खाना खाने के लिए, सिर्फ वही हिंदू जाएंगे जो हिंदू में भी जयचंद का काम। नीतीश कुमार की भूमिका क्या है सर? नीतीश कुमार की भूमिका क्या है? देखिए देखिए, नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार ने कभी ब्राह्मणों के अगेंस्ट में या हिंदू के अगेंस्ट में ऐसी कोई बात नहीं की, इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इसमें नीतीश कुमार की कोई भूमिका रही होगी, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर मैं आग्रह करूंगा कि नीतीश जी, ये ब्राह्मण भी इसी देश के लोग हैं, हम भी इसी देश में हैं, हमारा भी अधिकार है, आपके घटक दल में अगर कोई इस तरह से बयानबाजी करता है तो आप लोग भी इसकी चिंता करें कि किसी भी धर्म के व्यक्ति को, किसी भी कुल के व्यक्ति को इस देश में कोई गाली न दे, इसकी व्यवस्था जरूर सोचना चाहिए। मांझी जी ने जो कहा है, वो गजेंद्र झा की नजर में हिंदू विरोध है, हिंदुत्व विरोध है या फिर राष्ट्र विरोध है, देश को है? मांझी जी जो काम कर रहे हैं, पहला राम के अस्तित्व पे खड़ा कर रहे हैं, वो सनातन धर्म के विरोध में है। दूसरा उन्होंने हिंदू को गाली दिया है, वो कहते हैं कि हिंदू सबसे कमजोर, सबसे घटिया धर्म है, तो इसका मतलब ये है कि वो हिंदू विरोधी हैं, हिंदुस्तान विरोधी हैं। और तीसरा, अब वो ब्राह्मण को भी गाली दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो सामाजिक सरोकार के भी विरोधी हैं, और उन्होंने खुद ही माना कि मैंने मांझियों को गाली दिया, इसका मतलब वो अपने परिवार, अपने जात के लिए। अब ये बात तो नहीं पूछी जाए, लेकिन मैं बचपन से ही, मैं मेरी बात पूछेंगे तो मैं बचपन से ही चाय, पान, सुपारी, मीट, मछली, दारू, मुर्गा, अंडा मैं कुछ नहीं करता। मैं सनातन से बुलाया है, बीजेपी से निकाले जाने के बाद बीजेपी से ब्राह्मणों की जो नाराजगी है वो बढ़ेगी या लगता है कि कमेगी? देखिए, ये तो आपने हर जगह से देख ही लिया है, पूरे देश में एक आंधी चल पड़ी है, बहुत ज्यादा विरोध है, और यह विरोध इसलिए है क्योंकि आघात अब हिंदुओं पे हो रहा है, हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैंने आप लोगों के माध्यम से आह्वान किया ही है कि मांझी जी अगर चाहते हैं सभी धर्म, सभी लोगों को साथ में लेकर अगर आप चलना चाहते हैं, हिंदू के विरोधी नहीं है। मांझी, आपको भी भोज पे बुलाएं क्या? आप जाइएगा, उन्होंने नाम लेके इनवाइट नहीं किया। अगर जीता नाम मांझी पहले माफी मांगे, सनातन धर्म में आस्था दिखाए, तो मांझी को भोज करने की कोई जरूरत नहीं, गजेंद्र झा वहाँ भोज करेगा और अपने कुटुंब और पूरे परिवार के साथ खाने जाएगा। गजेंद्र जी, 11 लाख रुपया केवल ब्राह्मणों को दीजिएगा या समस्त जातियों को दीजिएगा, जीव काटने वाले बैल? क्योंकि गाली उन्होंने ब्राह्मण को दिया है, इसीलिए ब्राह्मण का कोई बेटा जीव काट के लाएगा तो 11 लाख उसको मिलेगा। फाइनेंस करवा रहे बाजी का बेटा अगर वो पैसा लेना चाहते हैं तो जीव काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने पिता के जीव को, जुबान को लगाम लगवा दे, जीव तो स्वतः कट जाए।